राजनीति की कहानी भी रहस्य और रोमांच से भरपूर है। अगले ही पल क्या हो जाए इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। किस मोड़ पर कौन साथ आ जाए और कौन पिछड़ जाए ये भी यकीनी तौर पर नहीं कहा जा सकता। निकाय चुनाव के नतीजों के बाद जब अचानक राष्ट्रीय लोक दल का आत्मविश्वास कई गुना बढ़ा हुआ दिख रहा है तो ये सवाल भी सरगर्म है कि क्या अब रालोद के नेता बड़ी सियासी जीत के लिए अखिलेश यादव के मोहताज नहीं। ये सवाल इसलिए क्योंकि कई सीटों पर सपा से अलग चुनाव लड़ते हुए भी रालोद ने 25 नगर निकायों पर अपना परचम लहरा दिया। पार्टी के मौजूदा तेवर बताते हैं कि रालोद अब अपने गढ़ में खुद को छोटे भाई की भूमिका में देखा जाना पसंद नहीं कर रही। आम जनमानस में भावना है कि अगर हमारी बात कोई उठा सकता है तो आदरणीय जयंत चौधरी जी मुखरता से बात को उठा भी सकते हैं और मनवा भी सकते हैं। आम कार्यकर्ता की भावना को देखते हुए जयंत चौधरी जी ने पूरे निकाय चुनाव से अपने आप को किनारे रखा और कार्यकर्ताओं ने मजबूती से जमीन पर मेहनत कर कर किसान कमेरे वंचित बेरोजगार को एकजुट कर कर एक जबरदस्त उत्साह के साथ परिणामों में परिवर्तित किया है और जो परिणाम आए हैं वो सुखद हैं। अखिलेश और जयंत में यूं तो सियासी तौर पर सब कुछ ठीक है। सपा और रालोद की तरफ से अब तक ऐसी कोई बात नहीं हुई है कि ये माना जाए कि 2024 को लेकर दोनों दलों के गठबंधन में कोई संदेह है। लेकिन रालोद के खेमे से आ रहे बयान अब नए संकेत भी दे रहे हैं। देखिए अभी जो गठबंधन है वो सबके सामने है और जो 24 के नजदीक आते आते गठबंधन बड़ा स्वरूप लेगा क्योंकि ये राष्ट्रीय राजनीति की बात है। हम कांग्रेस के साथ राजस्थान में फिलहाल गठबंधन में हैं तो गठबंधन के बड़े नेता जैसा तय करेंगे वैसा आपके समक्ष सब स्पष्ट होगा। चर्चा का बाजार क्यों सरगर्म है अब ये समझिए। सपा से ज्यादातर जगहों पर गठबंधन ना होते हुए भी रालोद ने पश्चिमी यूपी में निकाय चुनाव में अच्छा प्रदर्शन किया। सपा का प्रदर्शन उम्मीदों के मुताबिक नहीं रहा। सपा से भले ही रालोद की दूरी दिखी हो लेकिन आजाद समाज पार्टी से करीब बढ़ती दिखी। ऐसी चर्चा तेज रही है कि जयंत चौधरी राष्ट्रीय राजनीति में अलग थलग नहीं रहना चाहते। ऐसा तभी मुमकिन है जब रालोद किसी एक राष्ट्रीय पार्टी के करीब रहे। अगर कांग्रेस के साथ जयंत चौधरी के रिश्तों की बात करें तो भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल को तपस्वी बताकर जयंत चौधरी ने अपने मन की बात साफ कर दी थी। वहीं आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद के भी कांग्रेस नेताओं से अच्छे संबंध हैं। अब सवाल है कि क्या जयंत चौधरी कांग्रेस के करीब जाने की तैयारी में है या फिर जयंत चाहते हैं कि सपा रालोद और आजाद समाज पार्टी के गठबंधन में 2024 में कांग्रेस भी शामिल हो। तो स्थानीय निकाय चुनाव था इसमें तो कोई गठबंधन है या ना फ्री छोड़ दिया था। हम लोगों ने बहुत सारे वार्ड फ्री छोड़ दिए थे कि सब लड़ो इसमें। आरएलडी से हमारा समझौता है गठबंधन है और ये राष्ट्रीय नेतृत्व हमारा तय करेगा और समाजवादी पार्टी अकेले सक्षम है बीजेपी को हराने के लिए, कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। रही कांग्रेस और उसका सवाल बीएसपी का, इनसे पहले समझौता कर हमने देख लिया है और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे तय करेंगे। अखिलेश और जयंत की दोस्ती का आधार क्या था? आधार था कि पूर्वांचल में यादव प्लस मुस्लिम और पश्चिम में जाट प्लस मुस्लिम। अगर मुस्लिम नहीं रहेंगे अखिलेश पे तो अगर जयंत की जगह देखें तो उनको अखिलेश से दोस्ती का लाभ क्या होगा? तो डेफिनेट है कि एक तो दिलों की दूरियां बढ़ी, दूसरे अगर उनका वोट बैंक छिटकता है जिसे परंपरागत वोट बैंक माना गया अखिलेश का, तो दोनों की दोस्ती में जो लाभ हानि की बैलेंस शीट है वो गड़बड़ा गई है। और जब वो बैलेंस शीट गड़बड़ा जाती है तो फिर बड़े बड़े रिश्ते, अच्छे अच्छे रिश्ते और दोस्तियाँ टूटने की तरफ बढ़ती हैं। ये तमाम चर्चा अभी सियासी हवा में तैर रही है, पुख्ता तौर पर कुछ भी कहना मुश्किल है। लेकिन निकाय चुनाव के बाद जिस तरह अखिलेश यादव ने ममता बनर्जी के बयान का समर्थन किया उसके बाद कई तरह की बातें कही जा रही हैं। टीएमसी अध्यक्ष और पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कहा था कि जहां जो विपक्षी दल मजबूत है वहां कांग्रेस उसका समर्थन करे, बदले में जहां कांग्रेस मजबूत होगी वहां हम उसका समर्थन करेंगे। इस पर अखिलेश यादव ने भी हामी भरी है। आदरणीय नीतीश कुमार जी, आदरणीय ममता बनर्जी जी, केसीआर साहब और बहुत सारे दल इसी कोशिश में हैं कि कोई रास्ता निकले और जो दल जहां मजबूत है उस दल के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा।
अखिलेश के इसी बयान के बाद अब जयंत की प्रतिक्रिया का इंतजार हो रहा है। चर्चा तो ये भी है कि मुमकिन है कि अखिलेश ने जयंत का मन टटोलने के बाद कांग्रेस पर ममता बनर्जी के बयान का समर्थन किया हो। हालांकि इस पर सस्पेंस तब तक बना रहेगा जब तक खुद जयंत चौधरी 24 के गठबंधन की भावी तस्वीर पर खुलकर कुछ नहीं कहते।